नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट में। मैं हूं नितिन। साथियों, उत्तर प्रदेश में आजकल एक वर्ग की लॉटरी लग गई है, जिसको बीते दिनों कोई पूछता नहीं था, अब उसे पूजा जा रहा है, वो भी जिलों जिलों में जाकर। जिन्हें कोतवाल बाबुओं ने मार मार कर समझा दिया था, अब उन्हें पकड़ पकड़ कर मोतीचूर के लड्डू खिलाने की बात कही जा रही है और प्रयास किया जा रहा है। इसी को प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कहा जा सकता है। वैसे आज लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का, जो कि बसपा का चल रहा था, उसका समापन कर दिया। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई सारी बातें बोल दी और जो मौजूदा सत्ता दल है और इसके अलावा उनके साथी यानी उनके साथ जो विपक्ष में उत्तर प्रदेश में है, उनके ऊपर काफी सारे कटाक्ष कर डाले। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां तक यह भी कह दिया कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस सपा, इन तीनों ही पार्टियों ने ब्राह्मणों का जो शोषण किया है, उन सबका बदला हम जब सत्ता में आएंगे तब करेंगे। जब हम सत्ता में थे तब हमने दलितों के साथ साथ, अपने वोट बैंक के साथ साथ ब्राह्मणों का पूरा ख्याल रखा था और जब हम सत्ता में आएंगे तो ब्राह्मणों का उद्धार करेंगे। लेकिन यह राजनीति क्या होगी बसपा की, यह देखना अहम होगा और बाकी दलों की, क्योंकि बसपा का जो प्रमुख वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक कहा जाता है। अगर बसपा ब्राह्मणों को साधने में इतना समय लगाती है, वो 75 जिलों का दौरा उनके नेता करते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन किए जाते हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाता है, तो क्या बसपा का जो प्रमुख वोट बैंक है वो उससे नाराज नहीं होगा? दूसरी अहम चीज ये है कि इस सम्मेलन से बाकी की पार्टियों ने देखा, देखिए सम्मेलन तो शुरू कर दिए प्रबुद्ध वर्ग के नाम पर, लेकिन उससे बाकी की पार्टियों को कितना फायदा मिलने वाला है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम 2007 की तरह इस बार भी बसपा को उत्तर प्रदेश में स्थापित कर देंगे। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अहम विषय है ये, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसकी अब लॉटरी लगी हुई है, जिसे अब सब पूछ रहे हैं, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं और उससे कितना फायदा होगा, इसी विषय पर चर्चा होगी। लेकिन उसके पहले कुछ बयान सुनिए, फिर हम आगे इस चर्चा को शुरू करते हैं। में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। लखनऊ में बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज एक सभा को संबोधित किया। ब्राह्मण समाज की इस सभा में शंख बज रहे थे, मंत्रोच्चारण हो रहा था, त्रिशूल लहराए जा रहे थे और गणेश की प्रतिमाएं नजर आ रही थी। दरअसल बीएसपी ने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन किए, इसका लखनऊ में आज समापन हुआ। समापन के मौके पर मायावती ने रैली को संबोधित किया। कार्यक्रम में मायावती के संबोधन से पहले जय श्री राम और जय परशुराम के नारे भी लगे। इसके साथ साथ पार्टी का पुराना नारा भी लगा, जिसमें हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का शंखनाद किया गया। मायावती ने रैली को संबोधित करते हुए जनता पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 2007 की तरह फिर से सरकार बनेगी, 1000 सक्रिय कार्यकर्ता पूरे जिले में तैयार करना है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण में महिला कार्यकर्ताओं को भी प्रबुद्ध वर्ग के लिए तैयार किया जाएगा और उन्हें जोड़ा जाएगा। बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच वाली पार्टी है और ना ही कभी जनता को छलने का प्रयास किया है। बीएसपी की सरकार में किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया गया, खास करके अपर कास्ट के लोगों के साथ साथ ही मायावती ने अपील की कि सभी धर्म और जाति के लोग अपने परिवार के हित के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए बसपा से जरूर जुड़ें। मायावती ने जहां लोगों से बीएसपी में शामिल होने की अपील की, तो वहीं उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन नहीं किया। मायावती ने कहा कि बसपा को 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले सालों में चाहे सपा की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार, दोनों सरकारों में
ब्राह्मणों दलितों गरीबों का सिर्फ शोषण ही हुआ है। क्या अब आगे पांचवी बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक संग्रहालय मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। यूपी के अपर कास्ट खास तौर पर ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीएसपी ने कई जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन किए और इसकी शुरुआत राम की नगरी अयोध्या से की। बसपा के बाद सपा और बीजेपी ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए अपर कास्ट वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मायावती के इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से दूसरे राजनीतिक दल खासे नाराज नजर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर प्रसपा। सभी राजनीतिक दलों ने मायावती पर निशाना साधा है और इसे सिर्फ चुनावी स्टंट बताया है। बहुजन समाज पार्टी हो या दूसरे दीगर दल हो, उन लोगों ने 5 वर्ष जनता से कोई काम नहीं किया ना जुड़ाव रखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्ष कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के जनता के हर सुख दुख में हाजिर रहती है। ये बरसाती मौसम में निकले हुए राजनीतिक दल है, इनका कोई मतलब नहीं। ये देश तो उदारता की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरम की बात करता है, समाजवाद की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। राष्ट्रवाद और समाजवाद के नाम पर इस देश को जातिवाद के अंधकूप में, सांप्रदायिकता के भयावह अंधकूप में भेजने वाले दल को बौद्धिक वैचारिक प्रबुद्ध जैसे शब्दों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम के ऊपर बहुजन समाज पार्टी जो कि जातिगत राजनीति करती चली आ रही है, वो निश्चित रूप से ब्राह्मणों का ही सम्मेलन कर रही है, इसके अलावा वो कोई और सम्मेलन नहीं। और ब्राह्मण वर्ग जो है वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में कभी भी कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, वो चाहे कितना ही योग्य क्यों ना हो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और ब्राह्मण कभी भी अपनी योग्यता के साथ कंप्रोमाइज करके किसी भी ऐसे राजनीतिक दल में नहीं जाएगा जहां पर जाति प्रमुख हो ना कि योग्यता। ये तो साफ है कि सभा के जरिए मायावती 2007 की कामयाबी को फिर से दोहराना चाहती हैं। उस समय भी सतीश चंद्र मिश्र ने ब्राह्मण वोटरों के बीच जाकर सम्मेलन किए थे और इसका फायदा भी हुआ था और बसपा को दलितों के साथ ब्राह्मणों का वोट मिला और बहुमत की सरकार बनी। वहीं फिर से बीएसपी इसी सोशल इंजीनियरिंग को दोहराने की कोशिश कर रही है और 2022 में बहुमत की सरकार बनाना चाहती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो देखा आप सबने कि उत्तर प्रदेश में ये सब क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन राजनीतिक दल इसको पूरी तरह से समझते हैं कि अगर ये प्रबुद्ध वर्ग उन्होंने साध लिया तो सत्ता में आ जाएंगे। हालांकि प्रबुद्ध वर्ग के अलावा भी उत्तर प्रदेश में कई सारे वर्ग हैं जिनको साधना इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर बसपा के नजरिए से देखा जाए तो जो उनका दलित वोट बैंक है, ऐसा ना हो कि प्रबुद्धों को साधते साधते वो दलित वोट बैंक खिसक जाए। अगर हम सपा की बात कर ले तो सपा ने भी ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, लेकिन उनका जो ओबीसी वोटर है उसको साधने के लिए सपा क्या कर रही है, ये अभी भी सवाल खड़े हैं। और इसी तरह से बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, हालांकि उसके मायने उन्होंने अलग बताए। उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई जाति विशेष नहीं है, उसमें सारी जातियां मिली हुई हैं और एक अलग सा वर्ग बनाया गया है, लेकिन उसकी सच्चाई कितनी है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं, जो बातें हैं, उससे साफ तौर पर यही लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को ही जगह दी जाती है।
तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस पर अलग अलग पार्टियों से अपना अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा जी हैं बीजेपी से, जो पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा के गौतम हैं, जो कि बसपा सरकार में मंत्री रहे, अभी समाजवादी पार्टी में हैं। और इसके अलावा हमाम वहीद कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा दलित चिंतक के रूप में मनोज कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले के गौतम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप बसपा में पहले से रहे हैं, मंत्री थे सरकार में, और अभी आप सपा में हैं हालांकि। लेकिन मायावती जी जो आज जब उन्होंने भाषण दिया, पहली बात तो ये कि जो बसपा का कोर वोटर है, वो कोर वोटर क्या इस तरह के सम्मेलनों से नाराज नहीं होगा? क्योंकि वो कोर वोटर कहीं ना कहीं इस तरह की मेंटेलिटी लेकर नहीं चलता था। वो ये चाहता था कि हम जो, क्योंकि जिस तरह के पुराने जो नारे रहे हैं बसपा के, उन नारों में ही कहीं ना कहीं जो बसपा की मेंटेलिटी रही है वो निकलकर सामने आती रही है। तो ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि क्या जो कोर वोटर है बसपा का, वो इस तरह के सम्मेलनों से नाराज होगा या नहीं होगा? और दूसरी चीज ये है कि भाई, आप सबने क्यों इतना शोषण किया है ब्राह्मणों का कि बसपा को अब निकलना पड़ गया है सड़क पर? बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी बहुजन समाज से हटकर सर्व समाज की बात करती है। अब सर्व समाज की पार्टी की बात करती है और ये अपने पार्टी की मुखिया है। सुश्री मायावती जी जो भी बयान होगा अपने पार्टी के हित में ही कर रही होंगी, इसमें आलोचना करने की इसमें कोई विशेष आवश्यकता मैं नहीं समझता। ये जरूर है कि प्रबुद्ध वर्ग तो समस्त भारत देश के लोग में है, सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, कोई निर्बुद्ध वर्ग नहीं है, सब प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो समाज के बारे में सोचे, जो जनहित के बारे में सोचे, जो संविधान की सुरक्षा के बारे में सोचे, जो गरीबी हटाने के बारे में सोचे, जो भ्रष्टाचारी हटाने के बारे में सोचे, जो आम जन की समस्या को निराकरण के बारे में सोचे, जो किसान के बारे में, रोजगार के बारे में, विद्यार्थी के बारे में, समाज में निचले वर्ग के बारे में जो चिंता करे, जिसको भलाई करे, वही प्रबुद्ध वर्ग है। तो जात इस तरह के सम्मेलनों की जो शुरुआत हो रही है वो ज्यादातर ब्राह्मण नेताओं के जो उन जरिए ही हो रही है, चाहे वो बसपा की बात कर ले या फिर आपकी ही पार्टी की बात कर ले भाई। तो वहां पर ये इसको क्यों देखा जा रहा है? क्या आपकी पार्टी में ऐसे नेता नहीं मौजूद थे जो प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं? क्या खाली ब्राह्मण नेताओं को ही इसमें जगह दी गई आप लोगों ने कि भैया आप ही लोग जाओ मैदान में, आप ही लोग खेलो और आप ही लोग वोट लेके आओ? कि भारतवर्ष में विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध पारसी क्रिश्चियन सभी लोग रहते हैं, सभी वर्ग में सभी प्रभुत्व है। कुछ तो पढ़े हैं, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा विद्वान लोग हैं। तो मेरा अपना मानना है कि समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य दल हो, अपनी पार्टी को विकसित करने के लिए, अपनी पार्टी को सत्ता में आने के लिए अपनी विकास की योजना को लागू करती है, अपनी योजना लागू करती है, ये इसी में अपना हित समझती है। अच्छा, आपकी नजर पार्टी में, जो के गौतम जी, आपकी नजर में वो प्रबुद्ध वर्ग क्या है जो समाजवादी पार्टी जी से साधना चाहती है? प्रबुद्ध वर्ग सभी लोग हैं मैं तो मानता हूँ। अच्छा, प्रबुद्ध कोई विशेष जात विशेष धर्म नहीं हो सकता, प्रबुद्ध वर्ग सभी जो भारतीय है सभी प्रबुद्ध है। अच्छा, हम भारत के लोग सभी प्रबुद्ध। हाँ। अब ये आप किसी किसी का आप छांट लीजिए, अलग कर लीजिए अपने अपने हित के लिए, अपने पार्टी के हित के लिए, अपने जनहित के लिए। हाँ। मेरा अपना मानना है कि प्रबुद्ध वर्ग हर समाज हर धर्म हर संप्रदाय में है, अगर इसमें किसी का संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपके अनुसार चला जाए तो उस प्रबुद्ध वर्ग के अलावा भी एक वर्ग है जिसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा और जो समझदार वर्ग है वो प्रबुद्ध वर्ग में आता है, लेकिन उसके अलावा जो अगर हम जनसंख्या की नीति से देखें, रोजगार की नीति से देखें, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा है जिसकी संख्या बहुत बड़ी है और उसको साधना इस वक्त आप लोगों को बहुत जरूरी था, जो कि कहीं आप लोग नहीं साध रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक सवाल जो है वो राजनीतिक दलों में खड़ा करना चाहिए आप लोगों के ही माध्यम से। चलिए मैं आपके अन्य साथियों को जोड़ता हूं। गौरव मिश्रा जी बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव जी, उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से राजधानी लखनऊ में देखा गया कि मायावती कितना वो जोश खरोश के साथ उन्होंने ये बोला कि भाजपा ने जो शोषण किया है ब्राह्मणों का, हम जब सत्ता में आएंगे तो उसका बदला लेंगे। क्यों आप लोग इतना शोषण करते हैं मिश्रा जी?
देखिए, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों का अस्तित्व जाति विशेष से जुड़ा हुआ है, और जब ये पूर्ण बहुमत में आए हैं उसमें भी जाति विशेष का ही योगदान रहा है। तो स्वाभाविक है कि जहां से इनका पराभव हुआ है, जिस कारण से हुआ है, वहीं ये अपनी संभावनाओं को ढूंढेंगे। परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति विशेष को लेकर के नहीं चलती, ये सर्व समाज की बात करती है, इसीलिए सबका साथ और सबके सबका विकास का के मंत्र पर काम करती है। यहाँ तक कि आप लोग पे सबसे ज्यादा आरोप यही लगता है कि जो एनकाउंटर हुए हैं, जो अपराध हुए हैं, वो ज्यादातर ब्राह्मणों के खिलाफ हुए हैं। ब्राह्मणों की संपत्ति आप लोग ने जब्त करके रखी है, ब्राह्मणों के घर आप लोग ने गिरवा दिए हैं, ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर ब्राह्मण कोई नेता मंत्री भी आपकी सरकार का है, उसकी भी सुनवाई नहीं होती, तो ये सारे आरोप क्यों लगते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, यही अंतर है। जब एक ब्राह्मण अधिकारी शहीद होता है तो उसमें उन्हें जाति नहीं दिखाई देती विपक्षी दलों को, लेकिन जब एक ब्राह्मण अपराधी मरता है तो उसमें ये जात खोज लेते हैं। यही विडंबना रही है 70 वर्ष से भारतीय लोकतंत्र की राजनीति, विशेष करके उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत के हिस्से में। भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथक को तोड़ा है और सरकार की योजनाओं का निरूपण जमीन पर बिना भेदभाव के, बिना जाति या धर्म का भेदभाव के किया है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है। और बेशक 2022 में चुनाव होने हैं या 2024 में होने हैं, उन चुनावों में यही जनता फिर एक बार वही अपना मत देगी जो पिछले 2014, 2017, 2019 में दिया है, वही जनादेश। अच्छा, आप लोग को अगर आप लोग को कोई डर नहीं है तो आखिर आप लोगों के नेता मंत्री इस तरह के बयान क्यों देते हैं कि ब्राह्मण वर्ग हमारे साथ है? नहीं, देखिए, सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही क्यों, सभी वर्ग को हम साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और हमारे प्रबुद्ध वर्ग, हमने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए हैं, हमने भी जो है बौद्धिक किया है, तो बौद्धिक और प्रबुद्ध वर्ग सभी जातियों में उपस्थित है, और सभी जातियों में जो बौद्धिक वर्ग होता है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और विशेष करके लोकतंत्र में वो दिशा देने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों के साथ, भविष्य की योजनाओं के साथ, एक व्यापक रोड मैप के साथ उनके साथ संवाद कर रही है, और 2022 में कैसा उत्तर प्रदेश हो, क्या लक्ष्य होना चाहिए आगामी भविष्य का, उस दिशा में उनके साथ संवाद कर रही है और बात कर रही है। ये नहीं कि हमने 24% वोट पाया था तो इतने परसेंट ब्राह्मण है, तो इतने परसेंट यादव है, ये परसेंट हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। ये अंक गणित खेलने का काम गौरव मिश्रा से इस वक्त हमारा संपर्क टूटा हुआ है, हम फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे आखिर की जो जवाब है वो जानने का प्रयास किया जाएगा। अभी हम चलते हैं हमाम वहीद के पास, हमाम कांग्रेस से हैं। हमाम, ये जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि अभी आपके प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि कुछ भी कर लीजिए, बसपा कुछ भी कर ले, वो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, तो मतलब आप लोगों ने तैयारी करी हुई है कि ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी आप लोग कोई सम्मेलन उम्मेलन नहीं कर रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि ब्राह्मण हमारी तरफ ही आएगा? दरअसल दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास को बचाने के प्रयास में मायावती जी, तो आप लोग काशी राम जी का अधूरा सपना था, जिनकी जिम्मेदारी थी मायावती जी को उस सपने को पूरा करने, तो मायावती जी लगातार जिस तरीके से उनका रवैया रहा है और जिन ताकतों के हाथों में वो खिलौना बन चुके हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध दलितों के साथ? अच्छा, कौन सी ताकतें हैं वो? ताकतें वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेलौना बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों की जो मानसिकता है वो दलित विरोधी है, और लगातार दिल्ली सरकार में जब से मोदी सरकार, बीजेपी की भी मानसिकता दलित विरोधी आई है, लगातार ये लोग दलित का तो माला जपते हैं, लेकिन आज तक दलितों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? दलितों की बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई, हाथरस की घटना हुई, सबसे पहले कौन बोला? बहन प्रियंका गांधी जी सबसे पहले वहां जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहन कुमारी मायावती जी, जिनको सत्ता पद से सवाल करना चाहिए, वो आज सत्ता पद से नहीं, वो कांग्रेस पार्टी से सवाल करती है। तो दलित की बेटी बहन कुमार मायावती जी को दौलत की ऐसी नशा लगी कि वो दौलत की नशा में चकनाचूर होके दलितों के जो मान थे, सम्मान थे, अभिमान थे, उनको ताक पे रखकर आज उन शक्तियों के और उन ताकतों के साथ में जो इस देश को तोड़ना चाहती है और जिनकी मानसिकता दलित। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रबुद्ध वर्ग है इसमें ब्राह्मण नहीं आते हैं, कई सारे वर्ग इसमें शामिल हैं,
कई लोग कह रहे हैं, अभी जैसा कि गौरव जी भी कह रहे थे और हमारे के गौतम साहब भी कह रहे थे, लेकिन मायावती ने जितनी भी बातें कही उसमें ब्राह्मणों का नाम ज्यादातर आया। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों का शोषण आप लोगों ने किया है, तो आप लोगों ने शोषण क्यों किया पहले तो ये बताइएगा। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमारी जब सरकार रही है तो हमने सबसे ज्यादा काम ब्राह्मणों के लिए किया है, आने वाली सरकार में हम कोशिश यही करेंगे कि ब्राह्मणों के लिए और सारा काम करें। तो ये ब्राह्मण 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 क्यों रटा जा रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या और कोई मुद्दा नहीं बचा है आप लोगों के पास? दरअसल 2007 में भी एक नारा दिया गया था, ब्राह्मण संघ बजाएगा हाथी चलता जाए, लेकिन सत्ता में आने के बाद मायावती जी ने कितना ब्राह्मणों का कल्याण किया। क्या बहन कुमारी मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी ये पहले से ऐलान करेगी कि 2022 में अगर उसको जनता उसके सत्ता में लाती है तो क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री देंगी? तो जनता ने उन्हें जनता ने बसपा को हटा दिया, उसके बाद सपा आई, सपा को हटा दिया, सपा से भी नाराज थी। अभी तो बीजेपी अभी बीजेपी ना ब्राह्मण समुदाय उनके बहकावे में नहीं आने वाला। अभी तो बीजेपी है, बीजेपी तो काम कर रही है ना भाई। कहां काम कर रही? भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में आई है किसी भी जाति का कल्याण नहीं कर रही। लगातार इनकी जो योजना है आप बताइए, आज नौजवान बेरोजगार जब वो रोजगार मांगने जाता है उन पे लाठियां बरसाई जाती है, हर तरफ हाहाकार। कोरोना काल की स्थिति आप उठा के देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं देखिए, अभी फिरोजाबाद में कितने बच्चे का इंतकाल हो गया। कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं से लेकर जो भी जनता की सुविधाएं वो हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम हो चुकी है। दरअसल सिर्फ ये जो भाजपा की सरकार वो थोक दो नीति पे, और दिल्ली में जो सरकार है वो बेचो नीति पे काम कर रही है, और 2022 के चुनाव में जनता उसे सत्ता से बेदखल करके ही दम लेगी। गौरव जी को जवाब देना चाहेंगे हमाम वहीद की इन सवालों का कि आप लोगों की जो नीति है वो ठोको नीति है, और ठोको नीति में ही जनता आप लोगों को भी ठोक के बाहर कर देगी, ऐसा कह रहे हैं? समाज के विरुद्ध जो काम करता है उसके साथ ठोको नीति पर ही काम किया जाता है। देश के विरुद्ध जो काम करता है उसके साथ ठोको नीति पर ही काम होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करती। आज किसान दिल्ली की सरहद पे बैठा हुआ है, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए आपको आतंकवादी नजर आते हैं। जनता पार्टी की सरकार जब प्रधानमंत्री देश संविधान से चलेगा ठोको नीति से नहीं चलेगा। अकेले मुरादाबाद जहाँ 54% अल्पसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक समाजों को सर्वाधिक संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में जब आवास मिलता है तो वो भेदभाव नहीं करती है। जब एक गरीब के घर चूल्हा और सिलेंडर पहुंचता है तो उसको भेदभाव करके नहीं देखती। तो भारतीय जनता पार्टी इन आधार पर देश को बनाने और निर्माण करने के गरीब के घर से चूल्हा बाहर कर दिया गया है, सब्सिडी खत्म कर दी गई है, वही सबसे बड़ी उज्ज्वला योजना औदे में उभर चुकी है। स्थिति ये है महोदय, आज गरीब के घर से चूल्हा बाहर कर दिया गया है और वो फिर से मजबूर हो गई एक मरतबा इधर लगाने की। और इनको राजस्थान का बलात्कार नहीं दिखाई देता, आदरस का बलात्कार दिखाई देता। राजस्थान में हमारी सरकार कार्रवाई करती है, उत्तर प्रदेश में दंगे। आप राजस्थान का मुकाबला उत्तर प्रदेश से नहीं कर सकते, आप आदरस की घटना का मुकाबला राजस्थान से नहीं कर सकते। राजस्थान में सबसे पहले FIR किया गया, राजस्थान में सबसे पहले उत्तर प्रदेशियों को पकड़ा गया, चाल चल नहीं पा रही है, इसलिए ये परेशान है, बेचैन है। चलिए मैं बाकी मेहमानों को जोड़ता हूँ। मनोज जी हैं हमारे साथ, मनोज पासवान। मनोज जी, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार जितनी भी पार्टियां हैं वो प्रबुद्ध वर्ग को साधने में लगी हैं, अलग अलग वर्गों को साधने में लगी हैं, ब्राह्मण वर्ग को साधने में लगी हैं, पर ब्राह्मणों के अलावा क्या और कोई मुद्दा उत्तर प्रदेश में नहीं बचा हुआ है? और क्या ब्राह्मणों को साधने से ही उत्तर प्रदेश में सत्ता पे काबिज हुआ जा सकता है? क्या कहते हैं आप इसमें? देखिए, बिहार में बहुत बड़े नेता थे जगदेव प्रसाद जी कुशवाहा जी, वो एक नारा देते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। तो उसी पैटर्न में जो प्रबुद्ध कथित प्रबुद्ध ये ब्राह्मण समाज है, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद से और आज़ादी के पहले भी हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा है। बिना ब्राह्मण समाज के या बिना प्रबुद्ध समाज की कोई सरकारें अपवाद छोड़ करके नहीं रही हैं। तो ये जो पार्टियाँ कह रही हैं कि ब्राह्मणों को रिझाएंगे, वो ब्राह्मणों को क्या रिझाएंगे? ब्राह्मण तो खुद पार्टियों के केंद्र में है, कोई ऐसी पार्टी आप बताइए जहां ब्राह्मण सत्ता के केंद्र में नहीं है। ब्राह्मण कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश बन जाए, ब्राह्मण हमेशा उसके सत्ता केंद्र में रहे, और ब्राह्मणों के हाथ में पार्टियां खेल रही हैं, ना कि ब्राह्मण उनके हाथ में खेल रहे हैं। ब्राह्मण का नारा है कि 100 में 90 नहीं, 100 में 100 हमारा हो। आज आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, DGP से लेकर चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम से लेकर के
चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर से लेकर के एसडीएम से लेकर के कोतवाल से लेकर के डीएम से लेकर कमिश्नर से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर्स को ले लीजिए, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, फील्ड के अफसर हैं, सभी जगहों पर ब्राह्मण पूरी तरीके से काबिज हैं। लेकिन हालांकि एक ब्राह्मणों के अंदर कसक है कि चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को रिझाने का काम पर। ब्राह्मण एक बहुत होशियार प्रबुद्ध काम है, हजारों सालों से उन्होंने काम किया। बीएसपी की सरकार आई, उसमें उन्होंने अपना पूरा हक लागू किया, पूरा हक लिया। बीजेपी की सरकार, एक स्ट्रैटेजी है ब्राह्मण समाज की अपने की कैसे दबाव बनाया जाए राजनीतिक दलों पे, हमारी जो कम भागीदारी है उसको बहुत बढ़ा है। मैंने पहले ही कहा कि ब्राह्मण जो है चाहता है कि अगर कोई चीज़ 100 में 100 हमारा होना चाहिए। ब्राह्मण अपनी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है किसी बात से। बीएसपी में आप देख लीजिए, राज्यसभा में नेता रितेश पांडे जी हैं, सतीश मिश्रा जी हैं, लोकसभा में रितेश पांडे जी हैं, इससे पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी माता प्रसाद पांडे जी से लेकर के एक जनेश्वर से मिश्रा जी से लेकर के बहुत बड़ी लाभी ब्राह्मण समाज की वहाँ पर काम करती थी। कांग्रेस में 6-6 चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश में। इससे पहले जो सरकार, एक सरकार उत्तर प्रदेश में रही 93 वाली, जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी अलायंस की रही, मुलायम सिंह जी और कांशीराम जी वाली, उसमें ब्राह्मणों को उतना नहीं था जितना, हालांकि उस सरकार ने जितना करना चाहिए उतना किया था। लेकिन मैं इस पूरी जो कवायद है इसको मैं मानता हूँ कि इससे ब्राह्मण समाज का कहीं नुकसान नहीं होने जा रहा, कम से कम वरन ये जो पार्टियां हैं वो ब्राह्मणों के हाथ में खेल रही हैं, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो अभी वाली जो पार्टी है उत्तर प्रदेश में वो तो सबके लिए काम कर रही है ना, उनका तो ये कहना है कि हम सबका विकास, सबका साथ, सबका साथ सबका। दूसरा, एक तो पहला झूठ भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक और बोलती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। अरे झूठ कैसे बोल रहे हैं आप, एकदम झूठ, ये ऐतिहासिक झूठ है। भाजपा हरदम बताती है कि सभी पार्टियां जातिवादी हैं, हम जाति की राजनीति नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं अगर भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती है, इसी पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले सभी जातियों का सम्मेलन भाजपा ने लखनऊ में करवाया, अभी उन्होंने ओबीसी के कितने सारों को मंत्री बनाया। तो मैं वही तो मैं कहना हूँ, क्यों आप चिल्लपों क्यों कर रहे हैं? क्या ओबीसी काबिल नहीं है? आपने एहसान कर दिया उनके ऊपर? ओबीसी ने भारतीय जनता पार्टी वोट देने का काम नहीं किया? और 27 मिनिस्टर आपने बनाए हैं, 89 पीएमओ में अफसर काम करते हैं, सेक्रेटरी जनरल उसमें कितने बैकवर्ड क्लास के हैं, कितने उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्ट्री बैकवर्ड क्लास के हैं, कितने डीएम हैं, कितने कमिश्नर हैं, कितने चीफ सेक्रेटरी इन्होंने बनाए, जो नीतिगत जगहें हैं वहाँ पर आपने कितनों 69,000 की जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है, कितने बड़े पैमाने पर बेचारे 80 दिन से बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार सुनने नहीं जा रही है। उनके रिजर्वेशन के साथ लगातार कोई ऐसी भर्ती नहीं उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप बता दीजिए जिसमें आरक्षण का पालन हुआ हो। भाजपा की एक रणनीति है, पहले आपसे एक बीघा खेत छीन लेगी, फिर उसको उसके बाद 10-20 आपको दे देगी, कहेगी हमने आपको दे दिया। अभी नीट में हल्ला मचा रहे थे कि हमने 27% रिजर्वेशन देने का काम किया। ये संवैधानिक जो प्रक्रिया है कि जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे शिक्षा के हों, चाहे नौकरी के हों, चाहे रोजगार के हों, उसमें आपको 27% मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, 27% बैकवर्ड को रिजर्वेशन देना पड़ेगा। 2013 में नीट आया, उसके चार साल तक भाजपा ने नहीं दिया। मद्रास हाईकोर्ट का एक निर्णय आया, राजनीतिक दल उस पर लामबंद हुए, और फिर और इसलिए नहीं कि अलग से दिया, संवैधानिक जो अधिकार है बैकवर्ड का उसको लागू कराने के लिए सब राजनीतिक दलों ने दबाव बनाया, सभी पार्टी उनके अंदर उनके अपने भी ओबीसी जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं उन्होंने दबाव बनाया, दे दिया। तो इसमें ये बताने की क्या जरूरत है कि हमने 27 बैकवर्ड को बनाया, उनके बैकवर्ड एमपी भी तो हैं, ये भाजपा क्यों नहीं कहती? गौरव जी, ऐसा क्यों है कि आपके प्रबुद्ध वर्ग में खाली ब्राह्मण ही है? आप जैसा बता रहे कि हमारे प्रबुद्ध वर्ग में सभी जातियां हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लोगों को हमने शामिल किया है, लेकिन जैसा कि अभी मनोज पासवान बता रहे थे कि एक उन्होंने पूरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक गिना दिया कि ज्यादातर तो पूरी तरह से ब्राह्मणों के साथ ही आपकी पार्टी रही और ब्राह्मणों के साथ ही आप लोग खेल रहे हैं, न जातियों का बिल्कुल आप लोगों ने 1% भी नहीं सोचा, तो ये क्यों है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रणेता हैं डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी, जब वो अंत्योदय की बात करते हैं तो किसी ब्राह्मण के अंत्योदय की बात नहीं करते हैं। समाज की पंक्ति में सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो जिस जाति का हो, इस देश का है, इस देश का नागरिक है, उसके उदय की बात करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बलिदान देते हैं अपना, एक ब्राह्मण होते हुए, तो वो इस देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पूरे देश के तमाम बिखरी हुई पार्टियों को एक साथ लेकर के सरकार चलाते हैं और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बनकर के ऊपर उभरते हैं, तो वो ब्राह्मण होते हुए किसी ब्राह्मण की बात नहीं करते।
ये ब्राह्मण को गाली दे दे करके अपमानित करके जिन दलों ने अपने अस्तित्व को कायम रखा है वो ब्राह्मणों की ठेकेदारी लेने की बात कर रहे हैं। गाली दे रहे हैं, तो सम्मेलन करके सबको एक साथ ला रहे हैं, सम्मेलन करके सबको एक साथ ला रहे हैं, आप कह रहे गाली दे रहे हैं। ब्राह्मणों को गाली देकर ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चला करके ही इन दलों का जन्म हुआ है। किसने किया है? समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। भाई भूरा बाल साफ करो किसका नारा था, इनको मारो जूते चार किसका नारा था, ये सारी सारी बातें कहां से आई है? भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह के नारों पर ना भरोसा की और ना कभी उस रास्ते पर चली। वो तो पुरानी बातें हैं गौरव जी, वो पुरानी बातें पुराने जमाने की, अभी तो कुछ नया चल रहा है ना। पुरानी बातें कुछ नहीं हो सकती है, जो नया चल रहा है मैं वह भी बताता हूँ आपको। नया ये चल रहा है कि इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है बुरी तरह से। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनी है, इन लोगों की अपनी दुकानदारी खत्म हो गई है। जिन जातिगत आधार पर इन लोगों ने सरकारें बनाई, पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई, आज ये रो रहे हैं, ठीकरा फोड़ रहे हैं कि ब्राह्मण सत्ता के केंद्र में रहा है और रहेगा, क्यों नहीं अपनी स्थिति सुधार लिए। आज भारतीय जनता पार्टी जब ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देती है, क्यों नहीं इन्होंने अपनी सरकारों में करवाया। आज जब ओबीसी को सर्वाधिक संविधान के अंदर में मान्यता देने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, ये अपने समय में क्यों नहीं करवाए। तो बहुत सारे प्रश्न इनसे भी पूछे जाएंगे, इन्होंने तो अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया, कोई मूर्ति बनवाने का काम किया, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, तो उसी लिए जनता ने इनको जहां होना चाहिए वहां बैठा दिया। मैं जवाब ले ले रहा हूं उनसे, जिम्मेदारी दिया है, मैं जवाब ले ले रहा हूं। जनता पार्टी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। मैं आपके साथी से जवाब ले ले रहा हूं, केके गौतम जी। केके गौतम जी, आप बसपा में भी रहे और अभी सपा में भी है, और जैसा कि गौरव जी कह रहे थे कि आप लोगों ने तिजोरियां भर ली, किसी के लिए कोई काम नहीं किया, तो क्या कहेंगे इस पे? हेलो जी, केके गौतम, केके गौतम जी, गौरव मिश्रा जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने अभी ये कहा है कि आप लोगों ने समय रहते हुए अपनी सारी तिजोरियां भर डाली लेकिन किसी भी वर्ग के लिए काम नहीं किया है, और उसी में ब्राह्मण वर्ग भी है, ब्राह्मणों का आप लोगों ने पूरा भरपूर सहयोग तो पूरा लिया, सरकारें अपनी बना ली, लेकिन शोषण भी उसी तरह से किया है। देखिए, देश चलता है संविधान से, संविधान क्या कहता है, संविधान चाहता है जन कल्याणकारी राज, जन कल्याणकारी राज में जात धर्म और संप्रदाय कोई विशेष महत्व नहीं है, इसमें विशेष महत्व है भारतीय होना, हिंदुस्तानी होना। देश चाहता है नौकरी, देश चाहता है रोजगार, तो बीजेपी हिंदू तो की, देश चाहता है शिक्षा। बीजेपी जब देश की बात करती है, बीजेपी की जो तो ये जो बीजेपी की जो हमारे भाई साहब बैठे हैं विद्वान साथी होंगे, हम मानता हूँ, मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या योगी सरकार में महिला का चीरहरण हुआ है नहीं हुआ, बताएं? क्या योगी सरकार में प्रत्याशियों की जबरदस्ती रोका गया नहीं रोका गया, बताएं हमें? क्या योगी सरकार में ऑक्सीजन अस्पताल दवा के अभाव में मृत्यु हुई है नहीं हुई? गंगा के किनारे हजारों लाश बहती हुई दिखाई पड़े नहीं दिखाई पड़े? इनसे पूछ लीजिए बीजेपी हमारे भाई साहब, इनसे पूछ लीजिए जरा, इनसे पूछ लीजिए क्या एससी के विधायकों की मंदिर में प्रवेश जाने से रोका गया नहीं रोका गया, इनसे जरा पूछ लीजिए। इनसे पूछ लीजिए कि इटावा में एसपी को थप्पड़ मारा बीजेपी वालों नहीं मारा, इनको पूछ लीजिए। इनसे पूछिए किसान के 8 महीने से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनके बारे में, गर्मी बरसात और ठंड के मौसम में क्या इनका धरना वाकिफ है या नहीं वाकिफ है, वैधानिक है अवैधानिक है, इनसे पूछ लीजिए, इनसे जवाब लीजिए। गौरव जी जवाब दे दीजिए, देश का मुद्दा ये है। क्या पूछ रहे हैं? इन्होंने कहा कि क्या आपकी सरकार में महिला का चीरहरण हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपकी सरकार में प्रत्याशियों को रोका गया कि नहीं रोका गया, क्या आपकी सरकार में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, कई सारी बातें इन्होंने जो कही हैं, तो इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? वो साफ तौर पर आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार में जो अपराध का समानांतर साम्राज्य चलाते थे वो अपने जान की भीख मांग रहे हैं, जो लुटेरे गुंडे थे वो जेलों में पहुंच गए हैं। जिन किसान की ये बात कर रहे हैं, उन किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने ही किया है, सर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हमारी सरकार किसान लॉ एंड ऑर्डर के लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर 1,550 करोड़ की अपराधियों की माफियाओं की संपत्ति को जब्त करके सरकारी खजाने के साथ जोड़ दिया है, 1.5 लाख करोड़ की शत्रु संपत्ति को जब्त कर लिया है। किसान प्रदर्शन क्यों कर रहा है? अगर आप लोग किसान तो प्रदर्शन कर ही नहीं रहा है, सुन लीजिए, किसान प्रदर्शन कर ही नहीं रहा है,
ये राजनैतिक और किसानों के नाम पर वो साढ़े तीन वो साढ़े तीन लाख लोग जो वहां पर हैं वो कहां से आए? नहीं, ये आंकड़े, पहली बात तो ये आंकड़े गलत है। अच्छा। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नए समीकरण को जन्म देने की कवायद चल रही है, जाट मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की कवायद चल रही है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है। आप लोगों की कानून व्यवस्था, विशुद्ध रूप से राजनीतिक, आप लोग कानून व्यवस्था पर अपना, अपनी जो पीठ है वो थपथपाते आए हैं। अगर इस तरह से अराजकता फैलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो ये कभी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में बड़ी हो गई थी। वो वहां पर वो विधान संसद भवन के पास वो ट्रैक्टर लेकर चले आए थे, तो क्या ये लखनऊ में नहीं लेकर आ सकते हैं? तो इन पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? अगर वो किसान नहीं तो आप लोग उनको हटाइए। नहीं, ये तो चाहते हैं कि इनके ऊपर गोली चले, इनके ऊपर लाठियां चले, इनके इनको प्रताड़ित किया जाए, और फिर ये किसान के नाम पर पूरे देश भर में ढिंढोरा पीटना चालू करें, पूरे देश में ढिंढोरा पीटना चालू करेंगे। किसानों के साथ ये हो गया, किसानों के साथ हो गया। दरअसल सच्चाई तो ये है कि ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलन है, और एजेंडे के तहत कांग्रेस के गौरव जी पर चलाया जा रहा है। गौरव जी, कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग ने गोली और लाठी तो पहले ही चला दी। हाँ, जो जो लाल किले के प्राचीर से जो सैनिक और जो सेना के और जो पुलिस के जवानों को नीचे फेंका जा रहा था, वो उनको उनको फिर से वीडियो देख लीजिए, फेंका नहीं जा रहा था, फेंका नहीं जा रहे थे। महोदय, वीडियो फिर से देखिए। मैं तो कह रहा हूँ, जो झंडा फहराने वाला था वो कौन था? वो भाजपा के सांसद का मित्र था, आपके लोग थे, भाजपा आपके सांसद का मित्र था। कितनी कार्रवाई है, कितने लोगों को जेल भेजा गया? वो सब कांग्रेस के दिए हुए ठीके पे दिए हुए दलाल वो सब आंदोलन चला रहे हैं और कुछ नहीं। आंदोलन जीवी सरकार आप चला रहे हैं, इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन के सरकार बनाती है। अहंकार में मत रहिए, आइए। मनोज जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए गौरव जी, फिर उसके बाद जवाब लेंगे आप। जी मनोज, भाजपा शुरू से किसान आंदोलन विमर्श में आके, इसलिए मैं, किसान दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, तो इसमें भी उनकी बात है। ज्यादा जोते उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के पास है जमीनों की, अगर कोई जद में आएगा तो ज्यादा ब्राह्मण आएगा। तो सवाल ये है, एक तो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में पहले दिन से जब से शुरू हुआ तो ये कह रहे हैं कि फला के हाथ में है, कांग्रेस के हाथ में है, तो फिर शिरोमणि अकाली दल के हाथ में है, तो फिर खालिस्तानियों के हाथ में, फिर इसमें आतंकवादी, अगर ये सब है तो देश की सरकार इतने राउंड बातचीत उनसे क्यों कर रही है? अगर खालिस्तानी आतंकवादी वो हैं सब, उनको बुला रहे हैं विज्ञान भवन में, पार्लियामेंट में बुला रहे हैं, उनसे मिनिस्टर बात कर रहे हैं, कई कई अफसर तो बात कर रहे हैं। तो पहले वो किसान थे, नहीं मैं एक नहीं भाई, उसके बाद भी लगातार इनके पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी अगर हैं तो क्यों बातचीत आप कर रहे हैं उनसे, खालिस्तानी क्यों बातचीत कर रहे हैं? ये मैं कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक आंदोलन हो आज के देश में, मैं बता रहा हूं, किसी राजनीतिक दल की औकात नहीं है। जितनी बड़ी मुजफ्फरनगर में रैली हुई है उसके आधा भी, कोई प्रधानमंत्री जी भी अगर यहाँ भारत उत्तर प्रदेश में आएंगे, इतनी बड़ी रैली मैंने नहीं देखी है, जितनी बड़ी किसान और जो प्राकृतिक जो नेचुरल रैली जो बिना पैसे की दी जाती है, पक्षी पार्टियों का सपोर्ट है ना उनको, गौरव जी कह तो रहे। मैं कहना चाहता हूं कि हर क्या राजनीतिक दलों के लोग जो है किसान नहीं है भाई? हम क्या जो आदमी जो अगर कोई आदमी किसान है किसी राजनीतिक दल में नहीं काम कर सकता है? कोई आदमी राजनीति करता है उससे पहले किसान भी है, तो उसको हक नहीं है अपनी बात को रखने का किसानों के मुद्दे पर? तमाम मैं देख रहा हूँ ओबीसी जातियों के, तमाम शेड्यूल कास्ट के लोग, ब्राह्मण जाति के लोग किसान भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तो क्या किसानी छोड़ देंगे? वो किसान यूनियन के प्रदर्शन में नहीं जाएंगे? ये किसने कहा? अन्ना का मूवमेंट चला था, जय जवान जय किसान की बात नहीं मानते क्या ये? ये भाई मिश्रा जी, भाई मिश्रा जी, भाई गौरव जी, क्या आप जय जवान जय किसान की बात नहीं मानते क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो अभूतपूर्व काम किए हैं किसानों के लिए, और उसकी फेरिस्त बहुत लंबी है। मुझे लगता है कि यहाँ गिनाना शुरू करेंगे तो ये शो का समय खत्म हो जाएगा। दरअसल ये समझने की आवश्यकता है कि किसान का भेष पकड़ के, देखिए एक आदमी बोलिए समझ में आता है नहीं, कुछ काम गिना दीजिए कि 2014 के बाद से आपकी सरकार जब से दिल्ली में आई है किसानों के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं लागू की गई? सिर्फ एक ही बात बताते हैं आपको, एक दो केवल गिनती करा देते हैं आपको समझ में आ जाएगा।
1990 से किसानों के कर्ज माफी का एक नया चरण चालू हुआ। 2014 के बाद की बात कीजिए। अरे आप बीच में क्यों टोकते हो? इतिहास में मत जाइए, बार बार 2000 बीच में टोको, आप इतिहास में चले जाते हैं। तब मैं डिबेट छोड़ दूंगा, अगर बीच में आप नहीं देंगे। आप जब बात आपसे आज नहीं की जाएगी तो आप कल की बात करें। बात 2014 के बाद की होगी। 2014 के बाद से सरकार ने क्या किया? सिर्फ देश को बेचने का काम किया। उनका जवाब गौरव जी, आपका जवाब आ रहा है, बोलिए, कोई नहीं बोलेगा बीच में। देखिए, जिन 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 कर्ज माफी के आधार पर दोगला खेल पिछली सरकारें खेलती थी और वो कर्ज माफी के बावजूद 12,800 किसान देश में आत्महत्या करता था, भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जिन किसानों के ऊपर लाठियां बरसती थी खाद देने के नाम पर, नीम कोटेड यूरिया करके, आज वो लाठियां बरसनी बंद हो गई है और बिना खाद की किसी भी प्रकार की कोई कमी निर्बाध रूप से किसानों को मिलती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं मैं गिना दूंगा आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्रांतिकारी अभूतपूर्व कदम कृषि के क्षेत्र में उठाए हैं और ये किसान जीवी, ये आंदोलन जीवी मध्य उत्तर प्रदेश में आ जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाए और जरा किसानों से दो दो चार कर लें, उनको समझ में आ जाएगा कि किसान आंदोलित है या नहीं है। ये विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में जो MSP पे डकार जाते थे किसानों का हक और हिस्सा, सिर्फ 6% किसान ही अपने उपज को MSP पे बेच पाते थे, बाकी 94% किसान वंचित रह जाते थे। ये उनकी बनाम उनकी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी उनके इस नेक्सस को तोड़ रही है, इसलिए वो बेचारे परेशान है। दरअसल ये किसान का चेहरा लगाए हुए हैं, उनका चोला पहने हुए हैं, इसलिए इनका अभी तक सम्मान हो रहा है, लेकिन जनता के निगाह में ये बेनकाब हो चुके हैं और ये चुनावों में जाएंगे तो इनको इनकी असलियत। चलिए जवाब ले लेते हैं, अब आपकी बात हो गई गौरव जी, अब बाकियों से भी जवाब ले लेते हैं। के गौतम जी क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी की बातें आपने सुनी है और अब उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गौरव मिश्रा जी हैं, विद्वान साथी लगते हैं, उनकी भाषा से विद्वत्ता दिखाई पड़ती। हाँ भाई, विद्वान साथी से मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय बैंकों में पैसे के लूटने वाले जो 28 देशद्रोही लोग हैं, इनका नाम मुझे बहुत चंद मिनटों में बता दूंगा। विजय माल्या, मुकेश पुनिया, नीरज मोदी, निशान मोदी, पुष्पक बैग, आशीष रानी कनारा, आरती कलार, तमाम लोग, जतिन मेहता, उपेश पत्थी, कमलेश पारखे, इसे करके 28 लोग हैं। इस 28 लोगों में भाई साहब मिश्रा जी, इसमें कोई भी पाकिस्तानी नहीं, इसमें कोई भी मुसलमान नहीं है, इसमें कोई भी खरस्तानी नहीं है, इसमें कोई भी सिख नहीं है, इसमें कोई भी अरबन नक्सल नहीं है, इसमें कोई भी न एससी है, न बीसी है, न मुस्लिम है, न एसटी है, न किसान है। इसमें भाई साहब कौन लोग हैं? सब BJP के लोग हैं। आप जवाब दे सकते हैं? पूछ लीजिए मिश्रा जी से, नितिन भाई, ये लिस्ट लेकर के, ऐसा है, ये लिस्ट लेकर के न्यायालय में जाइए और जिस लिस्ट की आप चर्चा कर रहे हैं, दो चार नाम जो हमको समझ में आए, जितने का घोटाला उन्होंने किया था उससे ज्यादा की जब्ती हो चुकी है। 9 लाख करोड़ का NPA करा करके गई थी कांग्रेस पार्टी, 3.5 लाख करोड़ का केवल इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट बिल में जो है सरकार ने जब्त कर लिया है और लगातार जब्ती चल रही है, इसलिए वो लिस्ट लेकर के आप लोग देखिए, एक एक करके बोलिए तभी आवाज आएगी, तभी आप लोगों की आवाज मिल सकेगी। एक एक करके चौकीदारों के पूरे जन, गौतम जी गौरव जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ जी, बताइए गौरव जी। दरअसल गौतम जी को जातिगत कीड़ा जो काटे हुए है वो सभी अपराधों में भी जाति खोल रहे हैं। गौरव जी, मर्यादित भाषा, सभी चीजों में ये जाति खोज रहे हैं, अपराध में भी ये जाति खोज ले रहे हैं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि जब ये TV पे डिबेट कर रहे हैं तो अपराधों में भी जाति खोज रहे हैं और ये नहीं खोज पा रहे हैं कि जो 9,000 करोड़ विजय माल्या लेके भागा, इसी सरकार ने 13,000 करोड़ उसका जब्त कर लिया, ये वो नहीं, इसका डेटा नहीं प्रस्तुत कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि ये इनके सोच का की प्रॉब्लम है, वो अपनी सोच को सुधारे, अपने आप सही तस्वीर सामने आ जाए कि उनका ये भ्रम दूर हो जाए। हाँ गौतम जी, क्या कह रहे थे आप? बोलिए। मैं इसे कह रहा हूँ कि भाई मिश्रा जी को मैं विद्वान कह रहा हूँ, सब कह रहा हूँ, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे। क्यों कह रहे हैं? क्या मिश्रा जी हैं इसीलिए? नहीं नहीं, मिश्रा जी इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे सुनाई पड़ रहा, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मैं इनसे नहीं कैसे कर सकता। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम इनको भी इज्जत करते, इज्जत चाहता हूँ। हम मिश्रा जी से चाह रहे थे कि 28 जो देशद्रोही हैं, इस देशद्रोही में न SC है, न BC है,
ना अर्बन है, ना आपके सिख है, ना किसान। आप एक बताइए, यदि आपके निगाह में देशद्रोही है तो उसमें अर्बन, उसमें सवर्ण, उसमें आप ये खोजने का काम क्यों कर रहे हैं? देशद्रोही तो देशद्रोही होता है, अपराधी तो अपराधी होता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। प्रॉब्लम वहीं से होती है, समस्या वहीं से खड़ी होती है। एक भी मुस्लिम नहीं, एक भी सिख नहीं, एक भी किसान नहीं, ऐसा क्यों? चलिए चलिए, हम बाकियों से भी इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ हमाम मौजूद हैं। हमाम, जिस तरह से गौरव जी ने भी बताया, कई सारी बातें उन्होंने बताई हैं यहाँ पर, और के गौतम जी ने भी एक लिस्ट पूरी गिनाई है कि इन लोगों के ऊपर कभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने अपने सरकार में जब कोई काम नहीं किया तो आप दूसरे से हिसाब क्यों मांगते हैं भाई? गौरव जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने ना तो किसानों के लिए काम किया, ना युवाओं के लिए काम किया, ना किसी के लिए काम किया, और अब आप लोग बैठे हैं कि भाई खाता हमें दो अपना, कि तुम लोग पांच साल में, सात साल में क्या किया? 70 साल में कांग्रेस सरकार ने जो किया है उसको बेचने का ये काम कर रही है। मोदी सरकार की दो उपलब्धि है, डिमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन से इन लोगों ने नोटबंदी की, देश में नोटबंदी से सैकड़ों की जाने चली गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, छोटे उद्योग धंधे सब बंद हो गए। अब ये चंद उद्योगपतियों के, कुछ मखसूस लोगों के लिए देश की जो संपत्ति है, जिसे कांग्रेस ने बहुत मेहनत से, मुशक्कत से देश के लोगों के साथ मिलकर बनाया था, उसको बेचने का काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट बनारस का, उसे बेच दिया गया है 500 करोड़ में मात्र, और इस तरीके से बहुत सारे हाईवे को बेचने की कि लंबी लिस्ट और फेरी जो तैयार की गई है, ये किसने बनाया था? अरे तो बाकी ये 70 साल हमने बनाया। जब हम आपसे 2014 के बाद महंगाई बढ़, अच्छा आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बाकी चीजें तो सही है ना भाई? कानून व्यवस्था पर काफी कंट्रोल है। देश और देश दोनों की बात है, आज पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हुए कि नहीं? आज 2014 के बाद से महंगाई बढ़ी कि नहीं? 2014 के बाद से GDP कम हुई या ज्यादा हो गई? आप बताइए, जो 2014 के बाद से बेरोजगारी में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम आपसे सवाल, 2014 में जो आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आज लाखों की तादाद में युवा आपसे नौकरी मांग रहे हैं। अभी किसानों की बात कर रहे थे कि किसानों पे लाठियां जो चलती थी हमने वो बंद की। देश ने देखा है कि इतिहास में पहली मर्तबा दिल्ली की सरहद पे इतनी भारी तादाद में 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। 11 राउंड टेबल आपके साथ मीटिंग हुई, वो आपके मंत्री ने बात किया, कार्यकर्ता थे भाई। गौरव जी बता रहे हैं आप लोगों का ये सब प्रोपोगंडा बनाया हुआ है, किसान बोल रहे हैं। अच्छा, किसानों पे अभी आपने एक वीडियो वायरल देखा था, शायद के हरियाणा का था, कि SDM साहब, की सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, जो भी थे, किस तरीके से कि जो भी आएगा उसको सर फोड़ दिया जाएगा। ये है आपका प्रशासन, ये है आपकी मानसिकता। और दिल्ली की सरहद को जिस तरीके से आपने सील किया था, वैसे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद नहीं सील की जाती। गौरव जी क्या कहेंगे इस पे? कांटों से क्या जवाब देना चाहते हैं? आप सब कुछ वही कर रहे हैं और लिबादा दूसरा ओढ़े बैठे हुए, तो बार बार किसानों के सम्मान की बात कर रहे हैं जी। क्या देश नहीं देख रहा है? देश देख चुका है जी। गौरव जी देखिये, पहली बात तो मोनेटाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन की उन्होंने बात की, तो मोनेटाइजेशन पहले तो उसकी परिभाषा समझिए क्या है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जीजाजी के नाम पर, मुंबई पुणे हाईवे वो जीजा जी के नाम पर है। तो पहले अपने पार्टी से ये पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। दूसरी रही सबसे बड़ी बात किसानों की, तो उनको भरपूर मौका दिया गया, जिस समय 42 संगठन मिलकर के आंदोलन कर रहे थे, तो बाकायदे सरकार ने दरवाजा खोल करके रखा था और 14 दौर की वार्ताएं भी उनके साथ की, लेकिन वो 42 संगठन घट करके आज मात्र 2 या 3 रह गए, और वो सिमट करके रह गए हैं, और वो भी बाकायदे ठेकेदारी पर, कांग्रेस शासित प्रदेशों से, कांग्रेस शासित प्रदेशों से धन की व्यवस्था और जन की व्यवस्था दोनों कराई जा रही है सरकार को अस्थिर करने के लिए। नगर में कार्यक्रम हो रहा है, आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन चलाने के लिए। इसलिए अब ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं। आज उनके साथी कहाँ चले गए? आज किसान मंच कहाँ चला गया? आज भोपाल सिंह कहाँ चले गए? तमाम ऐसे इनके साथियों ने खुल करके तीनों कानून के पक्ष में अपने बयान दिए हैं और इनकी असली सच्चाई को उजागर किया है। इसलिए अब कुछ छुपा हुआ नहीं है, इसीलिए अब एक जाति विशेष को एकत्रित करने का ये काम कर रहे हैं।
उनके अंदर वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं और विशुद्ध रूप से ये पॉलिटिकल मुजफ्फरनगर में एकजुट होते हैं, खुली चुनौती जमा होते हैं, उनको ये किसान नहीं लगते। दरअसल ये सत्ता के हथियार में डूबे हुए हैं। सर्वाधिक किसानों की खरीद उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में हुई है। सबसे ज्यादा गन्ना की भुगतान उत्तर प्रदेश में किसानों का भाजपा शासनकाल में हुआ है। आप ये बताइए 2016-17 में जो गन्ना की खरीद हुई थी वो 16,000 करोड़ की थी और इस सत्र में 36,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है। आप बताइए डिफरेंस का है, दुगने का अंतर क्या है? बकाया बाकी हुआ है, बकाया तो नॉमिनल है, वो भी 3-4 मिले हैं, वो भी सुनिश्चित हो रहा है। ऐसा नहीं है, आज 1,44,000 करोड़ गन्ने का भुगतान पूरे प्रदेश में किया गया है। ये प्रदेश के किसान भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और हम लोग किसानों के बीच में जाते हैं। ये लोग बार बार ना गौरव जी, ये लोग जब जाएंगे वोट मांगने तो इनको भी वही प्रश्न। गौरव जी बार बार ये लोग ट्वीट करते हैं, बार बार सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि गन्ना किसानों का दाम नहीं बढ़ा रही है सरकार, कई समय से गन्ना किसानों को भुगतान नहीं दे रही है, किसान बेदहाल है, किसान परेशान है, सरकार पूछ नहीं रही है, तो ये सब चीजें क्यों ये लोग फैला रहे हैं? क्या फायदा मिलेगा इससे? और अभी जो अभी अभी ना अभी अभी आपने ये सम्मेलन की भी बात की कि ये जाति विशेष को साधने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या उससे ये कुछ फायदा वायदा मिलेगा इन लोगों को? बस अपना समय ये लोग खराब कर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ और काम कर लेते हैं। देखिए, जनता ने इसी जातिवादी राजनीति के जहर को समाप्त करके, खत्म करके, तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी और आज पूरा देश राजनैतिक रूप से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, प्रदेश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि उन्हें जिस तरह से ये प्रलोभन दे रहे हैं, धमकाने का भी काम कर रहे हैं और लालच देने का भी काम कर रहे हैं, दोनों काम ये साथ साथ कर रहे हैं। इनकी असली सच्चाई को जनता भलीभांति समझती है और चुनावों में ही वो जवाब देगी निश्चित रूप से, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए, मैं मनोज सब बहुत ज्यादा गौरव जी आपकी बात पे मनोज कुछ बोलना चाहते हैं। मनोज बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? अपने भाजपा के प्रवक्ता भाई से पूछना चाहता हूँ कि क्या भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती है? नहीं करती भाई, बोल नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ बताता हूँ मैं कैसे करती। नहीं, एक बार आप बताइए करती है नहीं, समझाइए मत, ये खाली एक बार बताइए करती है नहीं करती। एक लाइन में बताता हूँ, नहीं एक लाइन में हाँ या नहीं बताइए, हाँ या नहीं। सर्व जाति सर्व धर्म की राजनीति करती है, सर्व जाति सर्व धर्म की राजनीति करती है भाजपा, इसीलिए कहती है नहीं नहीं, सबका विकास और सबका विश्वास। अरे भैया, ये तो आप भाजपा पर जातिवादी का होने का नारा नहीं लगा सकते। अच्छा, ये बताइए, ये बताइए कि भाजपा क्या करेगी? तो संवैधानिक मजबूरी है कि 100 में 27 बैकवर्ड 23 शेड्यूल कास्ट को रखना ही पड़ेगा, तो इसमें जो आरक्षित सीट है उस पर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को टिकट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये भाजपा हरदम से एक बहुत बड़ा झूठ बोलती आती है कि हम जाति की राजनीति, जबकि सबसे ज्यादा जाति की राजनीति भाजपा करती है। क्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1989 के पहले, अरे मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूँ आपको, 1989 से पहले जब इस देश में मंडल कमीशन नहीं लागू था, इसी उत्तर प्रदेश और बिहार में कितने शेड्यूल कास्ट, कांग्रेस की भी सरकारें रहीं, बीजेपी की भी सरकारें रहीं, बीजेपी के समर्थन की सरकारें रहीं इस देश में, जनसंघ पुराने जमाने से इस देश में काम कर रहा है, कितने शेड्यूल कास्ट के चीफ मिनिस्टर बनाए इन्होंने, कितने बैकवर्ड क्लास के बनाए। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, कांशीराम का आंदोलन बड़ी भूमिका में था, उधर सोशलिस्ट पार्टी का आंदोलन आया, वैज्ञानिकवादी चेतना लोगों में आई इसके खिलाफ, वैज्ञानिकवाद के खिलाफ। कास्ट से वो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश। अरे मैं कह रहा हूँ क्यों है अब, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी बिरादरी का, इसलिए भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल इसलिए इन्होंने बनाया है। अगर ये सब खत्म हो जाए, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, ये राजनीति से खत्म हो जाए तुरंत खड़ा। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे इतने राज्यों में भाजपा सरकारें हैं, कहाँ बैकवर्ड सीएम है बताइए? इतने जगह बहुत बड़ी बैकवर्ड की आप पॉलिटिक्स करते हैं, कहां बैकवर्ड का सीमा आपने बनाया है? चलिए चलिए, अच्छा समय कम है, मैं सबसे फाइनल कमेंट लेने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं फाइनल कमेंट लेता हूं, हमाम मैं आपके पास आऊंगा कि क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में ये सब जो चीजें चल रही हैं, ये जो सम्मेलन चल रहे हैं, इससे उत्तर प्रदेश की जनता को कितना लाभ पहुंचेगा? और अगर क्या ब्राह्मण एक तरफा वोट करता है तो इससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि किसी पार्टी की सरकार बन सकती है? ऊपर उठ के राजनीति सबको साथ सबके सम्मान की बात करती है, और जो लोग जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी और
जिसने 2017 के बाद से जो उत्तर प्रदेश में एक सरकार चल रही है, जो जिनकी जन विरोधी नीतियां से आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आजिज हो चुकी, उसको बदलने का काम करें। चलिए के गौतम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर अब की बार आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बना लेते तो जो ब्राह्मणों हैं उनका शोषण कम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि आज बसपा सुप्रीमो ने भी ये बात कही। समाजवादी पार्टी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता 2022 की सरकार बनाने जा रही है, फुल फेस की सरकार बनाने जा रही है, सारे दल के लोग समर्थन करने जा रहे हैं, विभिन्न समाज के लोग आ रहे हैं, विभिन्न पार्टी के लोग आ रहे हैं, सभी को सम्मान मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा, सभी को अत्याचार अन्याय से किया जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा सरोज भाई से, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि राम मंदिर के ट्रस्ट में जो आपने वर्ग विशेष 15 लोगों को बनाया, इसमें बीसी लोग कितने हैं? जवाब ले लेते हैं, गौरव जी बता दीजिए। राम मंदिर ट्रस्ट में विशेष ट्रस्ट जो बनाया गया 15 लोगों की, 15 में बीसी कितने हैं? गौरव जी जवाब दे दीजिए, और ये कम समय में जवाब दीजिएगा, बिल्कुल आखिरी समय जी। गौरव जी, एक है या नहीं? मैंने पहले ही कहा आदरणीय गौतम जी, हर चीज में जाति खोज रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण की दिशा में वोट कर रहा है और उस दिशा में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के नैरेटिव को बदलने का काम किया है। इन लोगों ने जिस प्रकार से विघटनकारी नीतियों का समर्थन किया है, तालिबानियों का समर्थन किया है, जिहादियों का समर्थन किया है, आतंकियों का समर्थन किया है, आज वो सिस्टम टूट चुका है और देश की जनता, प्रदेश की जनता इसको भली प्रकार समझती है और आगामी सभी चुनाव में विकास पर और राष्ट्रवाद पर जनता वोट करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। ये जाति जाति का आंदोलन चलाए, जाति जाति का सम्मेलन करें, वो उनके लिए मुबारक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो कार्यशैली है उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उसी पर पुनः फिर प्रचंड बहुमत के साथ 350 बार के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए मनोज जी से आखिरी कमेंट ले लेते हैं। मनोज जी आखिरी कमेंट। मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण की जो प्रश्न आपने पूछा, जिसके साथ जाएंगे क्या सरकार, ब्राह्मण सभी जगह जाएंगे और जिसकी सरकार बन जाएगी उसकी हो जाएंगे, मेरा यही है। सभी एक किसी एक के साथ नहीं जाएंगे, जिसकी सरकार बन जाएंगे उसके हो जाएंगे और उस हुकूमत अच्छे तरीके चलाएंगे। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में हालात इस तरह के हैं कि लगातार राजनीतिक दलों के प्रयास हैं कि सम्मेलनों को करके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जाए। सबसे अहम बात यह है कि हम एक ऐसे समाज में काम कर रहे हैं, हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर पैर पकड़ के खींचने की परंपरा है, लेकिन अगर इस समाज में हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है तो हमें हाथ पकड़ के एक दूसरे का खींचना जरूरी है। यह बात बहुत बड़ी है, अगर आप समझते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का भी विकास होगा। इसी के साथ आज की डिबेट में इतना ही। हम प्रयास करेंगे कि आगे भी इसी तरह से जो जनता के मुद्दे हैं, जो सरकार के मुद्दे हैं, जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है उनके मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों के साथ हम डिबेट करते रहें। नमस्कार।